जिस समय ये चीजें होती हैं, सामने से पता चलती हैं, समाज को एक सच्चा और सही मैसेज जाना चाहिए। जैसे ही वो दरिंदा दिखे, उसे मौत के नीचे बात ही नहीं होनी चाहिए। दरिंदो, तुम लोग अब समझ जाओ कि चीजें ऐसे नहीं होगी। तुम किसी की भी जिंदगी, किसी की बाप की लड़की, अरे तुमने किसी माँ की गोद उजाड़ दी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि सजाए मौत के नीचे कुछ भी ना दिया जाए। डॉक्टर्स जब शिनाख्त करते हैं तो पीछे रीढ़ की हड्डियां देखकर वो बता देते कि उनका एज क्या है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि आप 15-16 साल की लड़की को 24 बता देंगे, 24 के लोगों को 50 बता देंगे। तो देश में सनसनी फैला हुआ है। आखिर इसे सुसाइड की बात कही जा रही है, या फिर मर्डर मिस्ट्री की बात कही जा रही है, या फिर एक बड़ी तेजाब कांड की बात कही जा रही है। दोस्तों, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ प्रिया मैम है। महिलाओं की आवाज और महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए पूरे देश में बहुत सारे ऐसे जो कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज महिला कितनी प्रोटेक्ट है, ये तो बड़ा सवाल है। प्रिया जी, आप इस केस को देख रही होंगी, श्रेया जो कांड है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मर्डर है, फाइनली मर्डर है दावे के साथ, और पुलिस वाले ने साफ कह दिया कि सुसाइड का एंगल है। आपको क्या लग रहा है? किसी ने बोल दिया सुसाइड का एंगल है, किसी ने बोल दिया मर्डर है, किसी ने बोल दिया कुछ। आप जो देख रहे हैं वो सच्चाई है ना, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। अगर कोई लड़की अपने घर से निकली है, कोई 15 साल की लड़की अगर अपने घर से निकली है, तो आखिर उसके पीछे क्या वजह रही होगी? वो किसी ट्रोमा में थी, किसी ने उसे मजबूर किया होगा। अगर ये सुसाइडल भी है, तो आखिर सुसाइड करने के लिए भी, मैं बस एक बात कह रही हूँ, अगर ये सुसाइडल भी है तो किसी ने तो उसको मजबूर किया होगा मरने के लिए। आखिर एक 15 साल की लड़की को, 16 साल की लड़की को ऐसी क्या वजह होगी जो इतने वो प्रेशर में थी कि उसे सुसाइड करना पड़ता है? और अगर आप फोटोज वगैरह में उसको ध्यान से देखें तो उसके सर पे बाल ही नहीं रहता, एक बाल नहीं होता उसके सर पे। ऐसी मछलियां सिर्फ बाल खाएंगी, स्किन को छोड़ देंगी, हाँ, जीभ गायब हो जाएगा, सर के बाल गायब हो जाएंगे। ये पुलिस वाले रैंडमली पूरी तफ्तीश करते नहीं और कह देते हैं कि सुसाइड का एंगल है, लेकिन जब डीएम पुलिस, डीएम और एसपी मैम वहां की जब आती है और विशेष रूप से उन्हें कहा जाता है कि आप इन्वेस्टिगेट सही से कीजिए, तो फिर वो भी समझते हैं कि नहीं, इसमें तो कुछ गलत है, हम लोगों को इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं लू एंड फॉल्ट दिख रहा है। अब वो 3 दिन का समय मांगे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि जब भी वो इन्वेस्टिगेट करे तो आप ये नहीं देखें कि आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं। वहां पे किसी की जिंदगी गई थी, वो एक लड़की थी, वो एक लड़की ही नहीं, पूरा समाज जो आज लड़कियां जो रोड पे चल रही है, उनकी वो सवाल एक्चुअली पूछ रही है। हर एक लड़की, हर एक औरत, हर एक महिला पूछ रही है कि हमारी सुरक्षा कहाँ है। अगर आज वो हमारे बीच नहीं है तो आज वो थी, कल हम हो सकते, कल कोई और हो सकती है। आप जो इस कैमरे के माध्यम से, विभू जी के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो हर कोई के सवाल, हर कोई के परिवार वाले के अंदर एक डर बैठेगा कि हमारी बच्ची अगर घर से बाहर जाती है और ये स्थिति उसके साथ होती है तो क्या उन्हें डर के रहना चाहिए? तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, पूरे समाज की थी, पूरे समाज की महिलाओं और लड़कियों की थी। जी प्रिया जी, इसमें आश्चर्य की बात तो तब हो जाती है जब पुलिस वालों के द्वारा कहा गया कि वो 24 साल की है, वो कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसका आधार कार्ड और जो एक्चुअल एज है वो 16 ईयर है। हाँ। क्या लग रहा है ये? देखिए, बोला तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन पे आती हैं। आप अगर डॉक्टर्स भी बैठते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक दो साल का इधर अंदर होगा, अंतर हो सकता है, लेकिन जब आप देख रहे हैं उसके आधार कार्ड पे 16 साल या 15 साल लिखा है, आप डायरेक्ट डबल एज बताओगे उसका? जी, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, ऐसे दरिंदे लोगों को जो मार दिया है, मानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि सुसाइड है या प्रेम प्रसंग है या फिर मर्डर है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का है। अगर ये प्रेम प्रसंग भी था तो किसी भी लड़के को, अगर ये प्रेम प्रसंग भी था तो किसी को हक नहीं बनता कि आप किसी की बेटी को मार दे। आपने जन्म नहीं दिया था, आपके परिवार वालों ने जन्म नहीं दिया था, आप उसकी लड़की को कैसे मार दोगे भाई? किसी की लड़की थी, अगर वो आपको बहुत ज्यादा पसंद थी, आप उसके साथ जिंदगी जीना चाहते, अरे अरे हैवान इंसान, अरे दरिंदे, तुमने तो उसकी जिंदगी ले ली।
इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और ये हर एक महिला हर एक लड़की सोशल एक्टिविस्ट जी ऐसे दरिंदे लोगों को तुरंत क्या करनी चाहिए? तो इन्हें सजाए मौत देना चाहिए। सजाए मौत? हाँ बिल्कुल, पकड़े जाए तो इन्हें सजाए मौत दीजिए, दूसरा कोई सजा नहीं, ताकि हर एक समाज को मैसेज जाए। और जो लड़कियां इस कैमरे के माध्यम से ये वीडियो एक जगह हैदराबाद में रेप किया गया एक महिला प्रिपरेशन करने वाली डॉक्टर को, हाँ, तुरंत सूट वारंट किया गया स्टूडेंट साइड। तो क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये मैं देखिए लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाने कह रही, मैं चाहती हूँ कि लॉज में ऐसा मतलब ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसा सख्त कानून बनाया जाए। कानून तो बने हुए हैं, तो उस कानून को पूरी तरीके से मतलब धरातल पे रखते हुए सामने से ऐसा मतलब उसे सजा दिया जाए कि सजाए मौत के नीचे कुछ भी ना दिया जाए, ताकि और लोगों के अंदर जो डर बैठ गया है लड़कियों के अंदर, जो स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, उन लोगों के अंदर से ये डर जो है, जो अभी इस वीडियो की वजह से ये फोटोज देख करके जो आ रहा है, लगता है ये आपको लगता नहीं कि ये रूह कपा देने वाली फोटो है? बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर आप देख सकते हैं, मैं बता नहीं सकती, शायद आप देख पाओगे कि नहीं, मैं ये फोटो से पुलिस कांस्टेबल की फोटो से आप स्पष्ट देख सकती हैं कि क्या लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये लग रहा है कि ये महिला पुलिसकर्मी है यहाँ पे मौजूद, और वो चीजों को अच्छे से शिनाख्त कर सकती थी, वो चीजों को अच्छे से समझ सकती थी। मैं चीजों को ज्यादा नहीं दिखा सकती, बस मैं इतना दिखा पाऊंगी। तो ये खुद एक महिला है, सवाल महिलाओं के ऊपर है, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर है कि अब चुप नहीं बैठना है, अब चीजें मतलब इस पे कार्रवाई बहुत सख्त होनी चाहिए, और अब इस केस के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए। कोचिंग में 500 लड़कियां पढ़ने वाली लड़कियां दहशत में है, डर में होती होगी, ये माँ के कोख से ही जन्म लेते हैं ना, जो ये हरकत करते हैं, इन्हें शर्म नहीं होता किसी का किसी की जिंदगी उजाड़ते हुए? देखिए कहीं ना कहीं ये दरिंदे लोगों को उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की इज्जत है। ये दरिंदे तो बस आप जानते ही हैं। मैं इस चीज पे यही आग्रह करूंगी जो भी इस केस के आईओ हैं, कि अभी से भी जब उन्होंने 3 दिन लिया है, तो इसे कड़ी से कड़ी तरीके से इसकी जांच करें और इसके इसका सही रिपोर्ट दे, क्योंकि किसी लड़की किसी बच्ची की जिंदगी गई है। देखिए एसपी और जो डीएम है साहब, वो दोनों पहुंचे हुए थे और दोनों मॉनिटर कर रहे हैं दिन रात, हाँ। प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऐसे में वो 3 दिन का और समय रह गया है जी। 3 दिन के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सिचुएशन होगा इस मिस्ट्री को लेकर के। तो आपको लग रहा है कि जो और भी जो बच्चियां हैं, 500 बच्चियां नहीं, उस कोचिंग में पूरे देश की बच्चियों की सवाल है, क्या बच्चियां अपने घर से कोचिंग के लिए ऐसे निकलेगी इस तरह से खबरों में? देखिए अगर इस केस में न्याय नहीं मिलता है तो लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर जो डर है वो और हावी होगा, लड़कियां डरने लगेंगी। जिस जो हत्याकांड, जिस तरह से इसे हत्याकांड तो अभी पूरी तरह से नहीं बोला जा सकता, लेकिन जिस तरह से इसको रूप दिया गया है सुसाइडल का, मुझे लगता है लड़कियों में एक डर बैठेगा, महिलाओं में एक डर बैठेगा जो ऑफिस जाती है, जो कॉलेज जाती है, कि हम लोग सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा को मद्देनजर। प्रिया जी आप क्या करेंगे इस मामले को लेकर? जी मैं सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगी कि जैसे लगातार हम लोग टीम से जुड़े हुए हैं और हम लोग इस चीज पे छानबीन करवा रहे हैं कि कितना ये प्रोसेस कितनी दूर तक पहुंचा है, और जैसे ही इसका जो भी खुलासा होगा, जो चीजें होंगी हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए और महिलाओं की सुरक्षा देखते हुए, वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। डीएमएसपी का मुश्किल से अब 3 दिन का समय रह गया है, क्योंकि डीएम साहब और एसपी साहिबा वो खुद कही है कि 7 दिन का समय दिया जाए, इसमें से 4 दिन बीत चुका है, 3 दिन और बाकी है। हाई लेवल का प्रेशर है इस केस को लेकर के, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सुसाइड का एंगल रैंडमली कह देना पुलिस वालों के द्वारा, लेकिन पूरे जो इसकी मोड़ है केस का 360 डिग्री घूमता है और कैसे ये मर्डर मिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं है। लेकिन क्या इस बात की पुष्टि यदि मर्डर के रूप में हो गया तो पुलिस वालों की किरकिरी कितनी होगी और पुलिस वालों का विश्वास कितना उठेगा और पूरे समाज, पूरे महिला, पूरे देश की महिला क्या सोचेगी, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइएगा इस फिलहाल पूरे जो घटनाक्रम है उसको लेकर क्या कुछ राय है आपके लिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी सोच और अपनी राय जरूर कमेंट में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।